सुजानगढ़ के 200 नए घरों में लाखों की चोरियां हो जाने के समाचार मिले हैं। सम्राट होटल के पास स्थित आउटर सिग्नल के सामने मोतीलाल गुरडा के सुने घर में चोरों ने हाथ साफ कर लाखों के सोने चांदी की जेवरात हुए नकदी चोरी कर ली। कोतवाली पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने मौका मुआयना कर घटना की जानकारी ली है। मकान मालिक मोतीलाल के पुत्र हरिओम ने बताया कि 26 दिसंबर को हम लोग अपने पुराने पुश्तैनी मकान गोगा मेढ़ी के पास वाले घर गए थे। 27 दिसंबर को घर सोना था। हरिओम ने बताया कि 28 दिसंबर को सुबह करीब 11:30 बजे में आया तो पाया कि मकान के मुख्य द्वार का कुंटा ही टूटा पड़ा था। अंदर के 3 कमरों के ताले टूटे पड़े थे, आलमारे के ताले टूटे पड़े थे, सामान पूरा बिखरा पड़ा था। इसी प्रकार छत का गेट भी खुला मिला। हरिओम ने बताया कि चोर उसके घर से 18 ग्राम का सोने का हार, कान के 6 ग्राम के झुमके की 3 जोड़ी 15 ग्राम की, मंगलसूत्र 7 ग्राम का, सोने की 3 मूर्तियां 4 ग्राम की, बिंटी 14 ग्राम की, 7 नोजपिन चोर ले गए। इसी प्रकार चांदी के सामान में पाजेब की जोड़ियां, बिछिया, बिंटी आदि अन्य सामान तथा बच्चों के गुल्लक सहित करीब 25,000 नगद चोरी चोर करके ले गए। बीजेपी नेता भगवान स्वरूप गुरडा ने भी कहा है कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चोरियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस द्वारा चोरियों का खुलासा नहीं किया जा रहा है, इसलिए चोरियों का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। इसी प्रकार वार्ड नंबर 51 के निवासी बलवीर कायमखानी निवासी सुजानगढ़ ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि मेरे बड़े भाई उमेद खां का मकान बिलाल मस्जिद के पास स्थित है। उमेद खां खाने कमाने के लिए विदेश रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे 24 दिसंबर को सोवासर गए हुए थे। पीछे से चोरों ने उमेद खां के घर से 4 सोने की बिंटी, 1 सोने की आड़, 1 जोड़ी कान की बाली, 2 सोने के कांटे, 1 सोने का सूज, 1 फुलड़ा, 6 जोड़ी पाजी, पर्स में रखे हुए 14,000, पेटी में रखे हुए 2 लाख रुपये नकदी चोरी के लिए। इस प्रकार गेहूं के 2 कट्टे, 2 कंबल, मिक्सर आदि सामान भी चोर चोरी करके ले गए। सर 26 तारीख को हम लोग वहाँ पुराने वाले घर गए हुए थे सारे, और वहीं रुक गए थे, आए नहीं थे, और 27 तारीख को कोई यहाँ था नहीं मौजूद। आज मैं सुबह यहाँ 11 बजे के आसपास आया तो यहाँ घर पे ताड़ाई वगैरह सारे टूटे हुए थे, तो देखा तो मैंने घर पे कॉल किया, इन्फॉर्म किया, सबको बताया कि यहाँ घर पे चोरी हो गई है, फिर पुलिस प्रशासन को बताया, और अब पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और चोरों को पकड़े और जो भी सामान चोरी हुआ है वो वापस दिलाने की कृपा करें। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सामान में मेरे भाभी जी के जो गहने हैं, मम्मी के गहने, कुछ कैश रखा था, गुल्लक में जितने पैसे थे, बड़ा गुल्लक था वो भरा हुआ था पैसों से, पूरा घर को बिखेर दिया, रखड़ी सेट है, लिस्ट बना के पुलिस को दे दिया। और बिदा सर, दोनों तहसीलों में चोरियों का सिलसिला जोर पकड़ रहा है, भयंकर चोरियां हो रही है। कितनी चोरियां हो गई पुलिस में जाकर रिपोर्ट करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती, एक भी चोर पकड़ा नहीं जाना, ये इसका राज क्या है समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ी अराजकता का माहौल है, जगह जगह अत्याचार की घटनाएं तो होती थी, बलात्कार की घटनाएं सुनने में आई है, और भी कई घिनौनी बातें सुनने में आती है, लेकिन चोरियों का सिलसिला तो हटता ही नहीं है, रोज़ चोरियां हो रही है। समझ में नहीं आता पुलिस प्रशासन किससे किन से मिला हुआ कि चोरियां हो रही है, बहुत बड़ी खामी है।